फिर पैदा हुई सावित्री बाई। तो बिटिया का जन्म 5 फरवरी को हुआ था और इस बार 5 फरवरी को बसंत पंचमी थी। आईआरएस अफसर ने रचा इतिहास। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो सबने ये बोला कि साक्षात सरस्वती का आगमन हुआ है। अंबेडकर जयंती पर हुआ बेटी का नामकरण। बच्ची का नाम रखने की प्रेरणा सबसे पहले तो हमें सावित्री बाई फुले जी के साथ फुले जी से मिली थी। सुना आपने, बेटी का नाम है सावित्री और इस नाम की प्रेरणा मिली है महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाली माता सावित्री बाई फुले से। साक्षात रूप में, मतलब जिनको हमने देखा है ज्ञान की देवी के रूप में, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके नाम पे, उससे प्रेरित होके उसके बच्चे का नाम रखा जाए। तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि भारत में महिलाओं का पहला स्कूल सावित्री बाई फुले जी ने खोला था और उन्हीं की बदौलत है कि जो महिला शिक्षा की जो अलख उन्होंने जगाई थी वो आज यहाँ तक पहुँची है। तो बच्ची का नाम रखने की प्रेरणा सबसे पहले तो हमें सावित्री बाई फुले जी के साथ फुले जी से मिली थी। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अफसर चंद्रशेखर मीणा और प्रतिभा के घर जब बेटी का जन्म हुआ तो उसके नामकरण के लिए वो ना ही किसी पंडे पुजारी के पास गए और ना ही घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, सरस्वती पैदा हुई है जैसी बातें की, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ मिलकर अपनी बेटी का नाम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के नाम पर सावित्री रखा है। तो बिटिया का जन्म 5 फरवरी को हुआ था और इस बार 5 फरवरी को बसंत पंचमी थी। तो जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ तो सबने ये बोला कि साक्षात सरस्वती का आगमन हुआ है और सरस्वती को अपने समाज में ज्ञान की देवी बोला जाता है। तो मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि मतलब बच्चे बच्चे होते हैं, उनको भगवान से उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए और जनरली हम लड़कियों को ही भगवान से कंपेयर करते हैं ताकि, क्योंकि अपने समाज में लड़कियों को लेकर थोड़ा सा मतलब भेदभाव का नज़रिया है ना, तो इसीलिए बच्चों जब भी लड़की होती है उसको लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का आगमन करके मतलब एक तरीके से सांत्वना देने की कोशिश की जाती है मतलब पेरेंट्स को। तो मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो मेरे लिए बच्ची बच्ची है, इसको मतलब जैसा है बच्ची की तरह ट्रीट किया जाएगा। अम्बेडकर जयंती पर बेटी का नामकरण हुआ। अक्सर जब किसी घर में बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनका नामकरण कराने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण पुजारियों के पास जाते हैं। कई बार ब्राह्मण पुजारी ऊट पटांग अक्षरों को मिलाकर ही नाम रख देते हैं जिसे बहुजन समाज के लोग आजीवन ढोते रहते हैं। खासकर बहुजन समाज के बच्चों के नामकरण संस्कार को लेकर तो मनुस्मृति जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि कैसे शूद्रों को ऐसे नाम दिए जाएं जिससे घृणा, हीनता और दासता प्रकट हो। लेकिन बावजूद इसके आज भी बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को चंद्रशेखर मीणा और उनकी पत्नी प्रतिभा से प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्ची का नाम रखने की प्रेरणा सबसे पहले तो हमें सावित्री बाई फुले जी के साथ फुले जी से मिली थी। तो पहला पार्ट है और दूसरा बात है कि हम नाम में कुछ पर्सनल टच भी देना चाहते थे जिससे मतलब हमारे परिवार का टच उसके साथ में रहे। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बच्ची का नाम रखा है सावित्री प्रखर। जो नाम का पहला पार्ट है सावित्री, वो सावित्री बाई फुले जी की प्रेरणा से है और प्रखर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रखर दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिभा और चंद्रशेखर। प्रतिभा मेरी पत्नी का नाम है और चंद्रशेखर मेरा नाम है। तो इस तरीके से इसका पूरा नाम हुआ सावित्री प्रखर। एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी है और एक तरीके से देखा जाए तो प्रखर मतलब बुद्धि का या उस तरीके से इंटेलिजेंस का भी पर्यायवाची हो जाता है। तो वो सावित्री बाई फुले जी के नाम से बिल्कुल मैच भी खा मेल भी खाता है। द न्यूज़ बीक बेबी सावित्री प्रखर के हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।